कहते हैं खिचड़ी के चार यार, दही, पापड़, घी और अचार। यानी खिचड़ी खाते समय दही, पापड़, घी और अचार मिल जाए फिर कहना ही क्या। आप सभी को मकर संक्रांति की ढेर सारी बधाई। आप बधाई देते समय व्हाट्सएप कर ही रहे होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं इसकी पूरी कहानी क्या है? आप किसके लिए मैसेज भेज रहे हैं? क्या आप जानते हैं कि खिलजी के चलते इसके नाम खिचड़ी पड़ा? अगर नहीं जानते, आइए हम आपको बताते हैं। देश भर में इसे मकर संक्रांति को अलग अलग नामों के साथ जाना जाता है। गुजरात में उत्तरायण, पूर्वी उत्तर प्रदेश में खिचड़ी और दक्षिण भारत में मकर संक्रांति को पोगल के रूप में भी मनाया जाता है। इस साल मकर संक्रांति का पर्व 15 जनवरी 2023 को है। इस दिन पवित्र नदी में स्नान करने, सूर्य को अर्घ देने, पूजा करने, दान करने के साथ ही तिल, गुड़ और रेवड़ी खाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस मकर संक्रांति में खिचड़ी ही क्यों खाई या बनाई जाती है? कोई और पकवान क्यों नहीं बनता? असल में यही से खिलजी वाला मामला जुड़ता है। मकर संक्रांति के त्योहार में खिचड़ी मनाने और खिचड़ी दान करने के पीछे बाबा गोरखनाथ की एक फेमस कथा है। ऐसा कहा जाता है कि जब खिलजी ने आक्रमण किया था, उस समय चारों तरफ हाहाकार मच गया था। युद्ध की वजह से नाथ योगियों को भोजन बनाने में बहुत ज़्यादा समय लगता था। लगातार भोजन की कमी से वे कमज़ोर होते जा रहे थे। नाथ योगियों की इस हालत को देखते हुए बाबा गोरखनाथ जी ने एक सुझाव दिया। उन लोगों ने उन्हें कहा, दाल, चावल और सब्जी को मिलाकर आप लोग खाना बनाइए। बाबा गोरखनाथ की ये सलाह सभी नाथ योगियों के बड़े काम आई। दाल, चावल और सब्जी एक साथ मिलाने से बेहद कम समय में आसानी से पक जाता था। इसके बाद बाबा गोरखनाथ ने ही इस पकवान को खिचड़ी का नाम दिया। खिलजी से युद्ध खत्म होने के बाद बाबा गोरखनाथ और योगियों ने मकर संक्रांति के दिन उत्सव मनाया और उस दिन लोगों को खिचड़ी बांटी। उसी दिन से मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी बांटने और बनाने की प्रथा शुरू होगी। 15 जनवरी की सुबह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बाबा गोरखनाथ को पहली खिचड़ी का भोग लगाएंगे। श्रद्धालुओं के लिए मंदिर के कपाट खोल दिए जाएंगे। आप सभी को एक बार फिर संक्रांति की बधाई। पतंग उड़ाते समय बहुत ही ध्यान रखिएगा, आपकी एक पतंग किसी की जान भी ले सकती है। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए पत्रिका उत्तर प्रदेश के चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए देखते रहिए पत्रिका न्यूज़।